नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के 18 हवाई अड्डों की सवड़े की सूरत। बीपीएससी 68वीं मुख्य परीक्षा के मॉडल पेपर जारी। बिहार में कैबिनेट विस्तार को लेकर शुरू हुई जंग। लोकसभा 2024 चुनाव में बीजेपी के क्लीन स्वीप के दावे पर सीएम नीतीश का बयान। 100वें टेस्ट से पहले चेतेश्वर पुजारा को पीएम मोदी का मिला आशीर्वाद। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के 18 हवाई अड्डों की सवरेगी सूरत। बिहार सरकार के द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों के 18 हवाई अड्डों की सूरत को संवारने के लिए दो डोप हेलीपैड निर्माण करने का फैसला लिया गया है। बता दें कि राज्य सरकार के द्वारा दिए गए निर्देश के बाद भवन निर्माण विभाग के द्वारा इस कार्य को करने के लिए प्राक्कलन बनाने की भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बता दें कि इन हवाई अड्डों के विकसित होने से हवाई यातायात बहाल करने में आसानी होगी और साथ ही आसपास के इलाके में भी विकास होगा। मालूम हो कि अभी सिर्फ पटना, गया और दरभंगा से व्यावसायिक उड़ानें संचालित की जाती है। इनके अलावा बिहटा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और रक्सौल में स्थित एयरपोर्ट की स्थिति उड़ान के लिए अपेक्षाकृत बेहतर है। बीपीएससी 68वीं मुख्य परीक्षा के मॉडल पेपर जारी। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बीपीएससी 68वीं मुख्य परीक्षा के मॉडल पेपर को जारी कर दिया गया है। सचिव सह परीक्षा नियंत्रक रवि भूषण के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस परीक्षा के पैटर्न में कुछ बदलाव किया गया है, जिसे अभ्यर्थी जारी किए गए मॉडल पेपर में देख सकते हैं और पढ़कर समझ सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुख्य परीक्षा 900 अंकों की होगी। इसके साथ ही इस बार पहली बार सवाल में निबंध को भी शामिल किया गया है। वहीं ऐच्छिक विषय के प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, जिसमें अभ्यर्थी को केवल क्वालिफाई करना होगा। इसके अलावा सामान्य अध्ययन पेपर एक के प्रश्न 3 खंडों में होंगे, जिसमें पहला और दूसरा खंड में पहला प्रश्न करना अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा। वहीं सामान्य अध्ययन पेपर 2 में तीनों खंडों का पहला प्रश्न बनाना अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी मॉडल पेपर को बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। साइबर अपराधी ने आईएएस अधिकारी को लगाया चुना। इन दिनों साइबर अपराधी देश समेत पूरे बिहार में अपना पैर फैलाते नजर आ रहे हैं। बता दें कि ताजा मामला बिहार की राजधानी पटना का है, जहां इस बार साइबर अपराधियों ने समाज कल्याण विभाग के सचिव प्रेम सिंह मीना को चुना लगा दिया। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार बिहार सरकार में कार्यरत प्रेम सिंह मीना के साथ पैन कार्ड अपडेट करवाने के नाम पर साइबर फ्रॉड किया गया है। मालूम हो कि साइबर अपराधी के द्वारा इनसे 1,73,000 रुपए की लूट कर ली गई है। वहीं अब इस मामले को लेकर शास्त्री नगर थाना में शिकायत दर्ज करवाई गई है। शिकायत दर्ज करवाने के बाद पुलिस और साइबर पुलिस की टीम इस मामले की जांच करने में जुट गई है। सेना में बहाली के नाम पर ठगी का खेल। बिहार में सेना में बहाली के नाम पर बहुत बड़ा ठगी का खेल चल रहा है। बता दें कि इस मामले को लेकर लखनऊ से मिली सूचना के आधार पर आर्मी इंटेलिजेंस और दानापुर पुलिस के द्वारा सैनिक अस्पताल परिसर में संयुक्त कार्रवाई कर इस मामले से जुड़े 3 दलालों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान समीराज, सतीश कुमार उर्फ सन्नी और रंजन कुमार के रूप में की गई है। छापेमारी के दौरान पुलिस की ओर से आर्मी इंटेलिजेंस को दलालों के पास से 95,000 नकद रुपए, डाक विभाग का फर्जी नियुक्ति पत्र, 13 मोबाइल, एक बाइक समेत अन्य कागजात बरामद किए गए हैं। वहीं आर्मी इंटेलिजेंस के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस गिरोह में गिरफ्तार किए गए इन 3 युवकों के अलावा और भी लोग शामिल हैं। फिलहाल पूछताछ कर आरोपित को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। देश की राजधानी जैसी दिखेगी बिहार की राजधानी। बहुत जल्दी बिहार की राजधानी पटना देश की राजधानी दिल्ली जैसी दिखने वाली है। बता दें कि शहर के बकरी बाजार से आगे पटना जंक्शन तक बनने वाले पहले सबवे का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। हालांकि अब इसके डिजाइन में कुछ बदलाव भी किया गया है, जिससे इसके निर्माण की होने वाली लागत में अब 15 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। मालूम हो कि इससे पहले इस सबवे के निर्माण पर लगभग 68 करोड़ रुपए खर्च होने का संभावित था। बता दें कि सबवे में आने जाने के लिए 1-1 मीटर के 2 ट्रैवलेटर का भी सुविधा दी जाएगी। साथ ही रैंप की सुविधा होने से लोग पैदल भी आ जा सकते हैं। इसके साथ ही सबवे को मल्टी मॉडल हब से जोड़ने की भी योजना बनाई गई है, जिसमें कमर्शियल वाहनों को पार्किंग की व्यवस्था मिल सकेगी। बिहार में 40 लाख टन से ज्यादा धान की खरीद। बुधवार को यानी कि आज से राज्य में धान क्रय की समय सीमा खत्म हो रही है। वहीं इस वर्ष बिहार सरकार के द्वारा राज्य में पैक्सो और व्यापार मंडलों के माध्यम से 45 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया था और अब तक राज्य में 40 टन से अधिक धान खरीद हो चुकी है। बिहार सरकार के खाद्य सचिव विनय कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अभी तक राज्य में जितनी भी धान की खरीद हुई है उसकी कुल कीमत 8,160 करोड़ 89 लाख रुपए है। बता दें कि मंगलवार तक धान की आई रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 26 जिलों में 90% से ज्यादा धान खरीदे जा चुके थे। वहीं खाद्य सचिव विनय कुमार की उम्मीद के अनुसार आज शाम तक सरकार के द्वारा धान खरीद के निर्धारित की गई लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।
छापेमारी के दौरान पुलिस पर हमला करने वाले आरोपी गिरफ्तार। वर्ष 2023 के जनवरी महीने में छापेमारी करने जाने के दौरान पुलिस की टीम पर हमला करने वाले 260 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इसके साथ ही पुलिस के द्वारा जनवरी महीने में विभिन्न मामलों को लेकर 10,000 आरोपितों की गिरफ्तारी भी की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डीजीपी का पद संभालने के बाद आरएस भट्टी ने एक अभियान की शुरुआत की थी जिसका नाम ऑपरेशन प्रहार था, जिसके तहत अब तक जनवरी महीने से पुलिस की टीम के द्वारा विभिन्न मामलों से जुड़े कुल 10,236 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही कार्रवाई के दौरान अब तक पुलिस की टीम ने 233 हथियार और 730 कारतूस भी बरामद किए हैं। पाटलिपुत्र खेल परिसर में महिला वेट लिफ्टिंग का 19 फरवरी से आयोजन। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के द्वारा खेलो इंडिया के तहत बिहार की राजधानी पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में महिला वेट लिफ्टिंग का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि इस कार्यक्रम की शुरुआत 19 फरवरी से होगी जो पूरे 5 दिन तक चलने वाली है। मालूम हो कि इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 18 फरवरी को देश के कई राज्यों से महिला वेट लिफ्टर पाटलिपुत्र परिसर में पहुंचने वाली है। इस प्रतियोगिता को लेकर बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के डीजी रविन्द्र संकरण का कहना है कि आयोजन खेल रहा बिहार खेलेगा बिहार के तहत करवाया जा रहा है, जिसमें देश भर से लगभग 800 महिला वेट लिफ्टर भाग लेने वाली और फिलहाल इसके लिए पाटलिपुत्र खेल परिसर में तैयारियां शुरू कर दी गई है। बिहार में कैबिनेट विस्तार को लेकर शुरू हुई जंग। इन दिनों बिहार में कैबिनेट विस्तार को लेकर सभी बयानबाजी कर रहे हैं। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह साफ कर दिया है कि कैबिनेट विस्तार से जुड़ा किसी भी प्रकार का फैसला उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा लिया जाएगा, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि कैबिनेट विस्तार में कांग्रेस के दो और नेता को मंत्री पद मिलना चाहिए। इसके अलावा उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का कहना है कि कांग्रेस अपनी मांग टीवी पर कर रही है और मुझसे कोई बात नहीं कर रही। ऐसे में अब आरजेडी और कांग्रेस के बीच कैबिनेट विस्तार को लेकर जंग होता दिख रहा है। बता दें कि अब एक बार फिर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा तेजस्वी यादव को दो टूक कह दिया गया है कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार तो होगा ही और जिसका जो हक है वो हक नीतीश कुमार उसे जरूर देंगे। उन्होंने कहा कि हमने अपनी बात रख दी है, अब आगे नीतीश कुमार जो करे। राजधानी पटना में भाकपा माले का लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ महारैली। 5 दिवसीय राष्ट्रीय महाधिवेशन के पहले दिन आज से भाकपा माले की ओर से लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ महारैली की शुरुआत हो गई है, जिसके पहले दिन इस रैली का आयोजन बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में आयोजित की गई है। बता दें कि इस रैली में राज्य के 38 जिलों से पार्टी के 25,000 से अधिक कार्यकर्ता भाग लिए हैं। वहीं इस रैली को लेकर माले विधायक सत्यदेव राम का कहना है कि आज देश में लोकतंत्र का खतरा है जिसका खामियाजा आने वाले समय में मेहनतकश और गरीब लोगों को भुगतना होगा। उन्होंने कहा कि आज के दौर में संविधान को कुचलने का काम किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस रैली में फांसीवाद मिटाओ लोकतंत्र बचाओ के नारे भी लगाए जा रहे हैं। राबड़ी सरकार में मंत्री रहे रविंद्र मिश्र हत्या मामले में दोषी करार। बिहार में एक बार फिर एक नेता पर कलंक लग गया है। बता दें कि हम बात कर रहे हैं राबड़ी सरकार में मंत्री रहे रविंद्र मिश्र के बारे में, जिनके ऊपर छपरा के एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा हत्या करने के मामले में दोषी करार दिया गया है। दरअसल रविंद्र मिश्र को 1990 के विधानसभा चुनाव के दौरान हुई हिंसा में एक महिला की मौत मामले में सजा मिली है। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 1990 के विधानसभा चुनाव के दौरान बूथ पर दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी, जिसमें गोलियां भी चलाई गई थी। इसी दौरान गोली लगने से एक महिला की हत्या हो गई थी, जिसके बाद इस मामले को लेकर पीठासीन पदाधिकारी व पोलिंग एजेंट की ओर से पूर्व मंत्री व निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्रनाथ मिश्र और उनके छोटे भाई हरेंद्रनाथ मिश्र समेत कई अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया था, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट के द्वारा अब 30 साल बाद उन्हें इस हत्या को लेकर दोषी करार दिया गया है। लोकसभा 2024 चुनाव में बीजेपी के क्लीन स्वीप के दावे पर सीएम नीतीश का बयान। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर में अपनी समाधान यात्रा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किए गए दावे को लेकर कि 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी पर मीडिया के द्वारा पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि वे लोग खुशी मनाएं, लेकिन हम लोग काम करने वाले लोग हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं। फिलहाल अभी हम लोगों को कोई भी राजनीतिक बात नहीं करनी है, इसलिए इस तरह के सवाल अभी मत पूछिए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक कार्यक्रम में ही लोग राजनीतिक बातें करते हैं और बाकी समय काम करते हैं। वहीं जब मीडिया के द्वारा उनसे देश यात्रा से जुड़ा सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी कहीं जाने का कोई प्लान नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा पर बटा जेडीयू। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जेडीयू दो भागों में बटता दिख रहा है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा 19 और 20 फरवरी को पार्टी का चिंतन शिविर किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने जेडीयू के कार्यकर्ताओं और नेताओं को भाग लेने की अपील की थी। वहीं अब उनके इस चिंतन शिविर में जेडीयू किसान प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश महासचिव और महात्मा फूले समता परिषद के जिलाध्यक्ष राजीव कुशवाहा के नेतृत्व में बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले के कार्यकर्ता 19 और 20 फरवरी को होने वाले चिंतन शिविर में आने की तैयारी कर रहे हैं।
बता दी कि राजू कुशवाहा के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जिले से कुल 500 कार्यकर्ता पटना आएंगे। इसके साथ ही शिविर में जेडीयू के विभिन्न प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। 100वें टेस्ट से पहले चेतेश्वर पुजारा को पीएम का मिला आशीर्वाद। दाएं हाथ के अनुभवी बैटर चेतेश्वर पुजारा ने अपने 100वें टेस्ट से पहले अपनी पत्नी पूजा पाबड़ी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। अपने इस मुलाकात से जुड़ी तस्वीर पुजारा ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर की है। इसके साथ उन्होंने तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा है, हमारे माननीय से मिलना सम्मान की बात ही। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मैं अपने 100वें टेस्ट से पहले बातचीत और प्रोत्साहन को संजोकर रखूंगा, धन्यवाद। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब तक चेतेश्वर पुजारा ने अपने करियर में 99 टेस्ट मैच खेल लिया है। वहीं 100 या इससे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने के बाद उनका नाम भी 100 या इससे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले की सूची में 13वें भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगे। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी बुधवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल की कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल की कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.04 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछेगा सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछेगा सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कुश कुमार यादव, नन्नू गोलू कुमार, शंकर मुखिया, मृत्युंजय कुमार, रविशंकर, मुटू रंगीला, मोहम्मद शकीर हुसैन, महमूद अंसारी, कुमार नयन, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, मोहम्मद अफ्ताब, मोहम्मद अबू बकर, सुजीत सिंह, अंशुप्रिय, मोहम्मद अफजल मंसूरी। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार बिहार के 18 हवाई अड्डों में हेलीपैड का निर्माण होना बिहार के लिए कितना फायदेमंद होगा। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।